काप न संतान के सुख से वंचित है। अब इन्हें संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल खुटे ही रीवा। लगातार बढ़े वाली महंगाई के बीच जनता का एक और बड़ा झटका लगने वाला है। आने वाले 1 अप्रैल से जरूरी दवाइन के दाम बढ़े वाले हम जोने में पेन किलर से लेके एंटीबायोटिक तक शामिल हैं। ऐसे में आम जनता जो पहले से महंगाई के मार झेलला ही होकर जेब पर बोझ और बढ़ जाए। विंध्य क्षेत्र के पहल बघेली न्यूज चैनल में हम पूजा अपना पंचे सब जनन का प्रणाम करी थे, शुरू करी थी बड़ी खबर से। बता दें कि जरूरी दवा की अगर बात की जाए तो वह पेन किलर एंटीबायोटिक दिल के 800 दवा शामिल हैं और 1 अप्रैल से तमाम दवाइन के दाम बढ़े वाले हैं। दरअसल सरकार के द्वारा दवा कंपनी का एनुअल होलसेल प्राइस इंडेक्स के बदलाव मानुमत अनुरूप बढ़ोतरी के अनुमति दे के खातिर सरकार पूरी तरीके से तैयार है। जानकारी के मुताबिक बढ़त महंगाई के मद्देनजर फार्मा इंडस्ट्री दवा के कीमत बढ़ावे की मांग करत रही। थोक मूल्य सूचकांक में वार्षिक परिवर्तन के अनुरूप सरकार वृद्धि दे के अनुमति के खातिर तैयार है। आवश्यक दवा के राष्ट्रीय सूची के तहत दवा के कीमत पिछले साल और साल 2022 में रिकॉर्ड 12% और 10% के भारी वार्षिक वृद्धि के बाद फार्मा उद्योग के द्वारा 0.0045% के वृद्धि की गई। कुल मिला के देखा जाए तो कर सीधा असर जनता के जेब पर पड़े वाला है। भले फार्मा कंपनी के दृष्टिकोण से यह वृद्धि कम होए, लेकिन आम लोग पहले से महंगाई की मार झेल रहे हैं और इसने माँ जरूरी दवाइन की कीमत बढ़े से उनकर जेब ढीली हुई। सजग रही, सतर्क रही, रखिए आप और अपने परिवार के बहुत ख्याल। इजाजत प्रणाम।